हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग अपने फोन के अंदर डेट एंड टाइम चेंज करना चाहते हो, डेट एंड टाइम की सेटिंग चेंज करना चाहते हो तो कैसे चेंज करोगे, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए फोन से रिलेटेड सारी सेटिंग्स ऐसे बताते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपल तरीके से अपनी फोन की सेटिंग में जाएंगे। तो यहाँ पे हम सेटिंग में आ गए। सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको सिंपल तरीके से थोड़ा नीचे आना, एक ऑप्शन मिलेगा नीचे एडिशनल सेटिंग का, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको डेट एंड टाइम का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो 24 आवर वाला फॉर्मेट है, आप चाहो तो फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। ठीक है, सेट टाइम ऑटोमेटिकली को आपको ऑफ करना पड़ेगा और यहाँ से आप डेट एंड टाइम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये आपका डेट हो गया, ये आपका टाइम हो गया, अब जो भी आपको रखना है। 2-4 मिनट लोग आगे रखते हैं, एग्जाम्पल की बता रहा हूँ मैं आपको। कोई लोग होते हैं कि 5-10 मिनट अपना वॉच को आगे रखना चाहते हैं, प्रेफर करते हैं वो आगे रखना ताकि उनको काम काज में देरी ना हो। तो इस तरीके से आप ये सेटिंग्स कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।